जय हिंद। एलकेवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ प्रवेश पवार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार माजी दली भी रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट के गांव शेखपुरा कदीम में आए हैं। इनसे जानकारी हासिल करते हैं कि किस तरह का समर्थन मिला। सबसे पहले तो चेयरमैन साहब आपका स्वागत है। पवार साहब बहुत शुक्रिया आप आए और मैं आदरणीय बहन जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे कैंडिडेट बनाया। एक तरफा रमजान का महीना चल रहा है, पूरे मुसलमानों का इतना प्यार मिल रहा है, इतनी मोहब्बत मिल रही है कि मैं आपको तस्वीर नहीं कर सकते। आप इस कदर प्यार और मोहब्बत मिल रही, देखो देवबंद है, रामपुर है, देहात विधानसभा है, एक तरफा है, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शहर में और बेहट में हम लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ के लिए नए थे। हम उन लोगों तक जा रहे हैं लेकिन वो लोग भी समझ गए और पहचान गए, जान गए कि जब तक के प्लस वोट नहीं होगा हम जीत दर्ज नहीं कर सकते। जैसे 2019 में हाजी फजलुर रहमान साहब जीते वही सेम चुनाव है। तो हमारे सभी भाई लोग इकट्ठे होके बहुजन समाज पार्टी के साथ एक तरफा जीत दर्ज करेंगे और आपने देखा होगा जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे उनकी कितनी बार बार वो आ रही सीढ़ी कि अगर जीत दर्ज करनी है तो सिर्फ ऑप्शन बहुजन समाज पार्टी है, अगर सहारनपुर में जीत दर्ज करनी है तो एक ही तरीका है, बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलके ही हम जीत दर्ज कर सकते हैं। तो उसी काम को हम कर रहे हैं। तो अब हमारी आवाम सब हमारे लोग ये पहचान गए कि अगर जीत दर्ज करनी है तो सिर्फ ऑप्शन बहुजन समाज पार्टी है। चेयरमैन साहब, लगातार विपक्षी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आप वोट कटवा उम्मीदवार हैं। देखिए ये साबित हो जाएगा अभी 2024 में। अब हमारे सहारनपुर की आवाम जिसे ये पागल समझते थे, बेवकूफ़ समझते थे कि हमने गुमराह कर दिया तो ये जैसे चाहे चल जाएंगे, नहीं, अब ये दिल से नहीं दिमाग से काम लेते क्योंकि इन्हें भी इनका हक अधिकार चाहिए। इनका हक अधिकार जो दिलाएगा ये उसी के साथ जाएंगे और इन्हें पता है कि गठबंधन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जीतने का। गठबंधन जो सपा कांग्रेस का है? ना ना ना, मुस्लिम और दलितों का, ये एक तरीका है गठबंधन का। मुस्लिमों का भाईचारे का जो गठबंधन है ना उसका तो वोट ही नहीं, उस गठबंधन का जब वोट ही नहीं तो आएगा कहाँ से। गठबंधन है भाईचारे का, मुस्लिम प्लस दलित समाज का जो प्यारा गठबंधन है, इससे बेहतरीन खूबसूरत और कोई हो नहीं सकता। क्यों? एक तो प्यार मोहब्बत रहेगी और एक हम सीट जीत के आएंगे। तो किस तरह का आप मानते हैं चुनावी मुकाबला किससे है, भारतीय जनता पार्टी या सपा कांग्रेस का? देखो सीधे सीधे यहाँ भाजपा के साथ ही है लेकिन भाजपा भी बहुत पीछे रह जाएगी, अब के बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा से जीत दर्ज होगी इंशाल्लाह। बड़े बड़े नेता आएंगे विपक्षी गठबंधन के, अखिलेश यादव जी आएंगे, मुस्लिमों को रिझाने का काम करेंगे। देखिए 2022 में मुस्लिमों को इतना रिझाया कि इन्होंने 99% वोट दिया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। भाजपा जो कि तू मुसल्लत है और हमारे लोगों को ही सताया जाता है, वो तो फिर वहीं पहुंच जाते हैं, उनका क्या नुकसान होता है? नुकसान तो हमारे गरीब कमजोर मजलूम लोगों का होता है ना। तो हमारी लड़ाई कौन लड़े, हमारी हिस्सेदारी कौन दे, हमें हमारा अधिकार कौन दे? हम तो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे पास एक ही रास्ता है बहुजन समाज पार्टी, इसके साथ मिलके हम अपने लोगों के लिए लड़ सकते और इन्हें इनका अधिकार दिला सकते हैं। आपने कहा लड़ाई कौन लड़े, इमरान मसूद तो कहते हैं कि 5 साल जनता के बीच रहकर वो लड़ाई लड़ते हैं। अगर जनता के साथ रह के लड़ाई लड़ते तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न मुस्लिम समाज का नहीं होता? आज देख लीजिए किसी भी थाने चौकी पे जाके मुसलमानों की लाइन लगी है, औरतों की लाइन लगी हुई है, 5 साल में किसी थाने पे लाइन नहीं दिखाई देगी मुसलमानों की इंशाल्लाह, क्योंकि वो हमें पता है हिस्सेदारी कैसे लेनी है। इन्होंने तो समाज को कमजोर किया है, आप देख लीजिए अदर समाज के लोगों के साथ क्या सलूक करते हैं अधिकारी और मुस्लिम समाज के लिए क्या सलूक किया जाता है, ये आपके सामने है। और सहारनपुर को देख लीजिए, दो हिस्से कर ले, एक हिस्सा कितना कमजोर है कि कितनी गंदी गंदे रास्ते हैं, नालियां हैं, और एक दूसरा हिस्सा कितना खूबसूरत है, बेहतरीन सड़कें बनी हुई है। 75 साल से यही लोग मंत्री रहे, नेता रहे, तो अगर इन्हें मुसलमानों की फिक्र चिंता होती तो ये फर्क थोड़ा ही होता। हमें इसको बराबर करना है और वो हम खुद, क्योंकि पिछड़े जो होता है उसको उनकी फिक्र होती है, जो गरीब मजलूम में से आता है उसको उनकी फिक्र होती है, उनको एहसास होता है, जो अपर कास्ट का उसको क्या फिक्र होगी, गरीब कमजोर लोग कैसे अपना घर चला रहे हैं। वो हम मजदूर लोग हैं, हमें पता है कि गरीब आदमी 500 रुपये कमाता है और अगर उससे कोई अधिकारी छीन ले तो उस पर क्या गुजरती है। तो वो इंशाल्लाह
सहारनपुर में ये हक अधिकार किसी को नहीं आगे देंगे कि हमारे लोगों के साथ कोई जुल्म ज्यादती कर सके या इनका उत्पीड़न कर सके। इसी बात की लड़ाई है, 5 साल में वो सब करके दिखाएंगे जो इन्हें 75 साल में अब तक नहीं मिला। इंसान अगड़े पिछड़े की बात कर रहे हैं तो क्या चुनावी माहौल, चुनावी मुद्दे भी अगड़ा पिछड़ा का रहने वाला है आपका, जनता के बीच में भी इस तरह का कुछ है? नहीं नहीं नहीं, देखो अगड़े समाज के लोग जो पता है, जो महसूस करते हैं कि सिर्फ जीत यही है, वो लोग हमारे साथ हैं क्योंकि वो नफरत नहीं करते, हम उनका सहयोग करते हैं, वो हमारा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते, अपने लिए सोचते हैं, उनके लिए लोग आगे से इलाज करेंगे उनका। और इंशाल्लाह 2024 में गरीब कमजोर मजलूम लोग अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। अब ये मीठी मीठी घी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे, बहुत हो लिया, अब तो ये अपने हक अधिकार के लिए वोट डालेंगे और इंशाल्लाह वो हम इनके साथ इन्हें दिलाएंगे, लड़के झगड़ के जहां भी जरूरत पड़ेगी इनको उनका हक मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब देने के लिए। तो आपने सुना बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार माजी दली जी को आपने सुना। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय हिंद।